धनबाद जिले के तेतुलमारी शक्ति चौक टाटा सिजवा 12 नंबर स्थित शहीद शक्तिनाथ महतो समाधि स्थल में जन्मभूमि तेतुलमुड़ी में मनाया गया और शक्ति चौक समीप आदमकद प्रतिमा में समारोह में शामिल लोगों ने माला पहनाकर श्रद्धांजलि दी। जयंती समारोह में बागमारा SDPO आनंद ज्योति मिंज, JBKSS अध्यक्ष जयराम महतो, बागमारा प्रखंड अध्यक्ष रोहित यादव, JMM के कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित हुए। वहीं विभिन्न राजनीतिक दल सामाजिक संगठन के साथ छात्र छात्राएं व बुद्धिजीवियों ने शक्ति चौक सहित शहीद आदमकद प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समिति के अध्यक्ष शिव प्रसाद महतो ने अतिथियों को अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया। वहीं ग्रामीण इलाके से आई महिलाओं को साड़ी लेकर सम्मानित भी किया। दूर दराज से महिलाएं आए हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है कि झारखंड के लोग संघर्ष करते हैं, संघर्ष से कभी हम पीछे नहीं रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता और आंदोलनकारी श्री रुतुल महतो जी और अन्य जो भी पदाधिकारी लोग हैं, जो भी सौभाग्य है कि शक्ति चौक पर हमारे सम्मान के लिए, मजदूरों के हक के लिए लड़ते लड़ते जो समाज के हित के लिए जिन्होंने शहीद गति प्राप्त की, उनके जयंती के अवसर पर हम लोग सभी साथीगण समाज में, चाहे वो राजनीति करते हों, चाहे सामाजिक तौर तरीके से समाज में काम करते हों, हम लोग उनकी जयंती पर शक्तिनाथ महतो का आता है। और इस मसीहा को अगर हम लोग भुला देंगे अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में, तो ये निंदनीय होगा, दुर्भाग्य होगा। आदिवासी पहला लक्ष्य आदिवासी ही थे इस राज्य को अलग करने के लिए, आदिवासियों के उत्थान के लिए झारखंड राज्य अलग हुआ था। लेकिन सवाल आदिवासी का जो बुद्धिजीवी वर्ग है, आदिवासी का जो थिंक टैंक है, जो आने वाले 50 वर्षों तक सोच सकता है, उन्हें सोचना चाहिए कि आदिवासी का मतलब केवल हेमंत सोरेन का परिवार ही नहीं है। आज भी आइए, सवाल आज 2 साल से नहीं, मैंने जब भी मुझे माइक मिला है, बाकायदा कई मंचों पर जब, तो मैंने इस बात का जिक्र किया है कि आज भी झारखंड के आदिवासी वीरटांड के जंगलों से, टुंडी के जंगलों से, तोपचांची के जंगलों से पत्ता तोड़कर उसका दतवन लेकर कतरास के बाजारों में आते हैं, और बाकी लोग यहाँ कोयला बेचने का काम करते हैं, बाकी लोग यहाँ बालू बेचने का काम करते हैं, बाकी लोग यहाँ पत्थर बेचते हैं और जंगल की बेशकीमती लकड़ियाँ बेचते हैं। ये दुर्भाग्य है। इसके लिए आपको जो आदिवासी को सुरक्षा देने के लिए जो कानूने बनी है, उन कानूनों को मजबूत करने की आवश्यकता है। CNT SPT का जो कानून है, जो उनकी भूमि को अधिग्रहण करने से रोकती है, और ये कानून अंग्रेज देकर गए थे, चूँकि अंग्रेजों को ये मानना था कि जिस दिन ये भोले भाले लोग, कोई चालाक धूर्त किस्म के लोग इनके ज़मीनों से इन्हें बेदखल कर देंगे, और आज वो प्रमाण आपके सामने है। रांची जाके देखें, रांची छोड़िए, धनबाद में ही दामोदरपुर, भोदा, तेलीपाड़ा जैसे आदिवासी गांव हुआ करते थे। आज मुझे लगता है उनकी सौभाग्य है कि